अब बात करेंगे पावर प्ले की। वो खबरें जो हालांकि अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सत्ता और सियासत के गलियारों में खूब हो रही है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच इन दिनों लुका छिपी का खेल चल रहा है। खास तौर से जब से लालू के परिवार के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हुई और नीतीश ने उनका बचाव नहीं किया, तब से लालू नीतीश से खफा खफा है। इसका असर अब गठबंधन पर भी नजर आने लगा है। शुक्रवार को ही कैबिनेट की बैठक में लालू के दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि आरजेडी की ओर से कहा गया कि दोनों नेता तबीयत खराब होने की वजह से कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। उधर लालू ने भी ट्वीट कर बताया कि वो करुणानिधि के जन्मदिन के जश्न में हिस्सा लेने चेन्नई नहीं जा रहे हैं। खास बात यह कि करुणानिधि के जन्मदिन के कार्यक्रम में नीतीश कुमार जा रहे हैं। हालांकि लालू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, पर लालू नीतीश के दूर दूर रहने की चर्चाएं आजकल जोरों पर हैं। इससे पहले सोनिया गांधी के लंच में जहां लालू आए थे, वहां नीतीश नहीं पहुंचे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब अपना दिल्ली का सरकारी मकान खाली करना पड़ेगा। ये मकान कैप्टन को बतौर सांसद अलॉट किया गया था, लेकिन अब दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कैप्टन को घर खाली करने का आदेश सुना दिया है। हालांकि कैप्टन चाहते थे कि उन्हें 2019 तक के लिए मकान अलॉट किया जाए। कैप्टन कांग्रेस के अकेले ऐसे सीएम नहीं है जो दिल्ली में सरकारी बंगले की चाहत रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में सरकारी बंगला ले रखा है। इससे पहले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब दिल्ली आते थे तो बंगले में ही रुकते थे। यूपीए के राज में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में मकान लेकर रहते थे। हालांकि सभी सीएम को दिल्ली में बंगला नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जब दिल्ली आती हैं, तो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साउथ एवेन्यू स्थित मकान में रहती हैं, जबकि राजस्थान के सीएम वसुंधरा राजे सरकारी व्यवस्था की जगह साउथ दिल्ली स्थित अपने पुश्तैनी सिंधिया हाउस में रुकना पसंद करती हैं। हालांकि ज्यादातर मुख्यमंत्री प्रदेश के सरकारी भवनों में ही रुकते हैं, जहां सीएम के लिए स्पेशल सूट्स की व्यवस्था होती है। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने सक्रिय राजनीति में रहने के लिए 75 की उम्र सीमा तय कर दी है, लेकिन मोदी के इस फैसले का बीजेपी शासित राज्यों पर कोई खास प्रभाव पड़ता नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर शुक्रवार को 86 साल के हो गए। गौर को शुभकामनाएं देने पहुंचे कुछ पत्रकारों ने जब उनसे पीएम मोदी के इस फैसले की ओर इशारा करते हुए रिटायरमेंट का सवाल पूछा तो गौर भड़क गए। उन्होंने कहा कि पार्टी का अपना जो निर्णय हो, लेकिन वो किसी भी कीमत पर विधानसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने दो टूक कहा, जब तक जिंदा हूँ चुनाव लड़ता रहूंगा। इसे कहते हैं अपनी हनक में रहना। गौर बीजेपी के पुराने नेता हैं। ऐसे में भले ही उन्होंने उम्र सीमा के चलते मंत्री पद छोड़ दिया हो, लेकिन विधानसभा सीट वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। अपनी सरकार के तीसरे साल का जश्न मना रहे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, जिससे सरकार के जश्न के रंग में भंग पड़ गया है। सबसे पहले जीडीपी के आंकड़े आए, जिसमें विकास दर में गिरावट दर्ज की गई। विपक्ष और जानकारों ने इसे मोदी की नोटबंदी के फैसले का साइड इफेक्ट बताया। फिर दूसरी खबर सरकार की अति महत्वाकांक्षी ब्लैक मनी स्कीम पार्ट 2 के फ्लॉप होने की आई, जहां नोटबंदी के बाद दिसंबर 2016 में शुरू की गई स्कीम में अघोषित नकदी जमा करने को कार्रवाई से बचने का मौका दिया गया था। खुद वित्त सचिव हसमुख आड़िया ने माना है कि ब्लैक मनी पार्ट 2 के नतीजे अच्छे नहीं रहे और केवल 5,000 करोड़ रुपए जमा हुए, जो सरकार की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे। उधर बेरोजगारी पर ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में बढ़ती बेरोजगारी का भी तथ्य सामने आया है, जिससे पीएम खासे तौर पर नाराज है। सूत्रों के मुताबिक अपनी यूरोप यात्रा से लौटकर मंत्रियों और अधिकारियों की इस मुद्दे पर खिंचाई कर सकते हैं। इसको लेकर सभी मंत्रालय अपने विभागों द्वारा पिछले 3 सालों में सृजित किए गए रोजगार के आंकड़े तैयार करने में दिन रात लगे हैं। टीडीपी चीफ और आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच रिश्ते लगातार बनते बिगड़ते रहते हैं। नायडू को पीएम मोदी ने बड़ी उम्मीदों के साथ डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की कमेटी की कमान सौंपी थी, लेकिन अब नायडू ही मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल ट्रांजेक्शन पर सवाल उठाते हुए बयान दिया कि ये लोगों को महंगा लग रहा है। नोटबंदी के फैसले के बाद पीएम मोदी ने कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल पेमेंट पर जोर देने की रणनीति बनाई थी, लेकिन मोदी की स्कीम पर उनके साथी सवाल उठा रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सादगी पसंद है। सरकारी तामझाम और शानो शौकत योगी को कभी ज्यादा रास नहीं आती, लेकिन चापलूसी के चक्कर में ऑफिसर इसे अक्सर भूल जाते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ देवरिया में शहीद प्रेम सागर के घर गए थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सीएम योगी को खुश करने के लिए चापलूसी की सारी हदें पार कर दी थी। शहीद के घर में पेंट कराया गया, सोफे लगाए गए, इतना ही नहीं एसी लगाकर ठंडी हवा का भी बंदोबस्त किया गया। लेकिन अफसरों के इस कारनामे से खुश होने की बजाय सीएम योगी नाराज हैं। योगी ने निर्देश दिए हैं कि वो जहाँ जाएं उनके लिए कोई भी व्यवस्था अलग से न की जाए। योगी ने अपने निर्देश में यहाँ तक कहा कि वो जमीन पर बैठने वाले लोगों में है, प्रदेश की जनता का सम्मान ही मेरा सम्मान है। अब बात करते हैं श्वेत पत्र की। श्वेत पत्र हमारे प्रोग्राम का वो हिस्सा है जहाँ हम किसी एक चर्चित मुद्दे के सभी पहलुओं को आपके सामने बारीकी से रखते हैं, ताकि आप उस मुद्दे की तह तक जाकर उसके अंदर की खबर को समझ सके, खबर के पीछे की वो खबर जो असली खबर है।
किसी एक राज्य के गठन के लिए शायद इतने लोगों ने कुर्बानी नहीं दी होगी जितनी तेलंगाना राज्य के संघर्ष में हुई। आजादी से पहले की तेलंगाना राज्य गठन की मांग आखिरकार 2014 में जाके पूरी हुई। 2 जून को तेलंगाना राज्य गठन के 3 वर्ष पूरे हुए। तेलंगाना बनाने का सपना तो पूरा हुआ, पर सवाल यह है कि तेलंगाना बनाने के बाद वहां के लोगों के ख्वाब क्या पूरे हुए? उन ख्वाबों का क्या जो लोगों ने नए राज्य बनने के वक्त संजोए थे? हालांकि तेलंगाना के सीएम केसीआर तेलंगाना के विकास को लेकर तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, पर यह जानना जरूरी है कि क्या सचमुच तेलंगाना के लोगों के हालात बदले। ऐसे में तेलंगाना फाउंडेशन डे पर तेलंगाना की सही तस्वीर जानने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना तेलंगाना पर ही रखा जाए हमारा आज का श्वेत पत्र। काफी लंबे अरसे के संघर्ष के बाद देश का 29वां राज्य बना था तेलंगाना। उम्मीदों की लौ में विकास की किरण खोजने वालों के चेहरों पर मुस्कान उभर आई थी। परसों की मांग पूरी हुई, आत्मविश्वास बढ़ा। अलग राज्य के लिए जिंदगी खपाने वालों में एक के चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। उसी तेलंगाना की चंद्रशेखर राव की सरकार के 3 बरस पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार जश्न मना रही है। सरकार के पास विकास के दावों का पुलिंदा है। दावा है कि राजस्व विकास दर हासिल करने वाला देश का नंबर 1 राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना ने कई कल्याणकारी योजनाओं पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 12,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के साथ ही 24 घंटे बिजली देने का दावा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 शहर भर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा। हैदराबाद को वैश्विक आईटी हब बनाने का दावा। 3 साल के मौके पर सरकार ने फिर ढेर सारी उपलब्धियां गिनाई। Especially with respect to industrial expansion, industrial growth, and more importantly, one of the sectors where Hyderabad has done exceptionally well over the last 2 decades, information technology. हालांकि विरोधियों के पास आरोपों का पुलिंदा है, उनके पास गिनाने के लिए ढेर सारी खामियां हैं। विपक्ष का आरोप है कि जो राज्य सबसे अमीर था उस पर 1,00,000 करोड़ का कर्ज हो गया। कर्ज के पैसों से विधायकों की सैलरी बढ़ाने, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर को फायदा पहुंचाने में इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों की स्थिति ठीक नहीं है। किसान खुदकुशी के मामले में तेलंगाना नंबर 2 पर है। 2015 में तेलंगाना में 1,358 किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए थे। जाहिर है इस पर खूब राजनीति हो रही है। पहले अमित शाह गए तो तेलंगाना की सियासत गर्म हुई, फिर राहुल गांधी ने रोड शो किया। कांग्रेस का आरोप है कि तेलंगाना सरकार हर मोर्चे पर फेल है। देश के दक्षिण में एक छोटे से राज्य तेलंगाना ने अपने 3 बरस पूरे कर लिए हैं। कई ख्वाब हकीकत में बदले, कई ख्वाब अधूरे हैं। हालांकि जश्न जारी है। तो ये था हमारा आज का सीएम्स कॉर्नर। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।